हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि IGKVCET, अभी इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको क्या क्या सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। अभी एडमिट कार्ड कहाँ से मिलते हैं, रिजल्ट आपको कहाँ से चेक करने होते हैं, अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ पर रिलीज़ होती है, ओके, और कितना स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा अप्लाई करने के लिए इस यूनिवर्सिटीज़ में, ओके, और एडमिशन के लिए लेने के लिए आपको अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करनी होती है, एडमिट कार्ड कहाँ पे रिलीज होती है, रिज़ल्ट भी कहाँ पे डिक्लेयर किया जाता है, अनाउंस किया जाता है, एग्ज़ाम डेट वगैरह सारी चीज़ें आपको, और एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, वो भी काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। तो क्या करना होता है आपको स्टेप बाय स्टेप, किसी भी ब्राउज़र से आपको google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप कर देनी होती है IGKVCET 2021 IAS पर। IAS पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको IGKV के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते हैं। सबसे पहले आप अपने ब्राउज़र में टाइप करके सर्च करेंगे, जैसे सर्च कर लेते हैं, ये फर्स्ट वाले लिंक पे एक्जैक्टली क्लिक कर देनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या बोलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्टेड सून जल्दी किया जाएगा, अभी से अभी टाइम है, अभी कुछ भी डेट अनाउंस नहीं हुई, फिक्स नहीं डेट अभी भी कुछ भी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म अनाउंस जल्दी किया जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा जल्दी से, एप्लीकेशन फॉर्म सब फिल करने लगेंगे, एडमिशन लेने लगेंगे आप, और इस वेबसाइट पे आपको मिलते रहेगा, वो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए जो सामने आपके फॉर्म है। इस फॉर्म में आपको टाइप करनी है आपका फुल नेम क्या, आप पूरा का पूरा नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है तो अपना नाम यहाँ पर टाइप कर दूंगा, ईमेल आईडी टाइप कर दूंगा, जो भी मेरा ईमेल आईडी होगी, जो भी मेरी ईमेल आईडी होगी मैं यहाँ पर टाइप करके, फिर कॉन्टैक्ट नंबर बता दूंगा, कौन से स्टेट के रहने वाला अपना स्टेट बता दूंगा, और हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है मेरी, कौन से कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, उस कोर्स को सेलेक्ट कर लूँगा, अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता दूंगा यहाँ पर कि मैंने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, या फिर मैंने 12th कंप्लीट किया है तो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th रहेगी, या फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, या फिर तो इस तरीके से आप बताएंगे। कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप गेट फ्री काउंसलिंग पे इस क्यों क्लिक करेंगे, क्योंकि आपको IGKV सेट के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले आपके ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर पे मिलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि ये पहले तो इसका फुल फॉर्म जो है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका ये फुल फॉर्म है, और दिस टेस्ट कंडक्टेड थ्रू इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के थ्रू यहाँ पर हुई है। प्रोवाइड एडमिशन करता है ये कैंडिडेट्स को अलग अलग ग्रेजुएशंस के लिए एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए, अलग फील्ड में किसी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ का मतलब उसका हो, या फिर जो बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं लेंगे तो अलग अलग ग्रेजुएशन भी यहाँ पर आपको दे दी गई है, जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं, जिस भी कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं आप इजीली यहाँ से जा सकते हैं। अभी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर कोर्सेज भी यहाँ पर वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन लेके पढ़ाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिए जाते हैं, मैं बताऊँगा अभी एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से जा करके देखनी होती है क्या क्या सारे। तो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, और एग्ज़ाम दे करके आपके एलिजिबिलिटी पे बेसिस करता है कि आप एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं, अप्लाई हो पाएंगे कि नहीं। मैं बताऊंगा अभी एलिजिबल हो पाएंगे कि नहीं आप, मतलब ये बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगी अप्लाई करने के लिए, तो फिर आप देख लेना अपना कि क्या क्या आप मतलब वो एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। मैं एलिजिबिलिटी बता दूंगा प्रोसेस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्स लाइक MSc आपको, मतलब इसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं PG कोर्सेस, यहाँ पर आपको जो है MSc है एग्रीकल्चर, और एंटोमोलॉजी है, MSc है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, MSc है जेनेटिक है प्लांट ब्रीडिंग है, MSc सोइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो बहुत सारे यहाँ पर आप दे दिए गए, और कुछ आर्टिकल्स है आप बताने वाला हूँ। पहले इंपॉर्टेंट डेट्स अभी आने वाला वो देखते हैं, पहले ये आपको यहाँ से आप चेक कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन के सारे डिटेल्स। तो अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको एक गुड न्यूज़ है कि देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो में एडमिशन स्टार्ट है। UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GT गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटी, मानवरचना यूनिवर्सिटी, KL यूनिवर्सिटी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, SRMU, SSIU एंड लास्ट काजीरंगा यूनिवर्सिटी। तो आप इनमें से जिस किसी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर लेना उस यूनिवर्सिटीज़ में जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। पंजाब में गोरेगांव, अलग अलग यहाँ पर देख सकते हैं
गुड़गांव और देहरादून में एडमिशन, हरियाणा में अलग अलग जगहों पे यहाँ पर आपको दिख जाती हैं। और अपने हिसाब से जो भी आपको जिसकी यूनिवर्सिटीज़ में भी आपको अप्लाई करना होगा आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं यूनिवर्सिटीज़। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम नेम बता दिए गए हैं आपके, और यहाँ पर उसका फुल फॉर्म इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एग्ज़ाम टाइप यूजी एंड पीजी कोर्सेज के होते हैं, और एग्ज़ाम लेवल स्टैंड स्टेट एंड इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर एग्ज़ाम्स होते हैं। ओके बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कोर्सेज ऑफर करती है यूजी एंड पीजी कोर्सेज। कंडक्टिंग बॉडी है यहाँ पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। एप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन मोड से, एग्ज़ाम मोड यहाँ पर ऑनलाइन मोड से। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर अगस्त में। यहाँ पर एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है, 180 मिनट्स के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर चेक कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर के लिए। आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी डिस्कस करना है यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर आपको दे दी गई है, प्रोवाइड कर दी गई है, इससे आप बात कर सकते हैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट। ओके अभी इंपॉर्टेंट डेट्स की तरफ आते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट देखना है, कैसे ईजी भी होते हैं अब बता देता हूँ। कैसे अवेलेबल कभी होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपका 2nd वीक ऑफ मई में होगा, डेट बता दी गई यहाँ पर। लास्ट डेट टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म जो है जुलाई में की जाएगी। और यहाँ पर सबमिशन इन केस ऑफ रिवर्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम बैंक टू बी अनाउंस, जल्दी अनाउंस की जाएगी। यहाँ पर आप करेक्शन स्टार्टेड है ओनली फॉर सक्सेस फीस पेड स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंश्योरेंस ऑफ एडमिट कार्ड के लिए यहाँ पर बताया गया, तो कभी होगा आपका एडमिट कार्ड रिलीज होगा, इस तरीके से आपको डेट देखनी है। ठीक है अभी एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे रिलीज किया जाता है किसके, इंदिरा गांधी। ओके इंदिरा गांधी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, IGKV के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाएगा। वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करेंगे, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशंस, आपका पेरेंट्स इंफॉर्मेशंस, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके एजुकेशन डिटेल्स, आपके रेजिस्ट्रेशन डिटेल्स, आपके ये सारे डिटेल देने के बाद आपको फोटोग्राफ्स, आपके सिग्नेचर्स रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशंस के लिए। फिर आगे चलते हैं जो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस लगते हैं, जो फ़ीस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ़ीस कैसे आपको क्या क्या करने होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़, OBC कैटेगरी के लिए 400 रुपीज़, ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर आपको 100 रुपीज़ लगेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो द एज लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स, से ज़्यादा नहीं। यहाँ पर क्या बोला गया है, आपका एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है एज लिमिट शुड नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अभी कैंडिडेट शुड हैव टू कम्प्लीटेड एग्रीकल्चर बैचलर्स चाहिए, आपका कम्प्लीटेड होना चाहिए डिग्रीज। और यहाँ पर एटलीस्ट आपको 60% मार्क्स चाहिए रहता है अप्लाई करने के लिए कम से कम। ओके अभी यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न्स में पेपर टेस्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे दी गई, सिलेबस वगैरह आपको पता होनी चाहिए, यही सारी चीज़ें। और ड्यूरेशन यहाँ पर 3 आवर्स 180 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन के लिए MCQ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है और ये पेन एंड पेपर बेस पे आपको एग्ज़ाम होगा। अभी सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रिलीज़ किया जाता है और वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है अभी आगे चलते हैं। जो यहाँ पर प्रिपरेशंस के टिप्स मैंने वीडियो बना के रखे हैं, आप वीडियो चेक कर सकते हैं, कहाँ पे वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएगा, मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड की है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है तो आगे चलते हैं। जो यहाँ पर एडमिट कार्ड कहाँ पे रिलीज़ किया जाता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिट कार्ड आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर रिलीज़ किया जाता है, इंदिरा गांधी की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहाँ से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके आपको एग्ज़ाम देने जाना होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आंसर की कहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, आंसर की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे रिलीज़ किया जाता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपको चेक कर लेना होगा। जैसे कि आपको एग्ज़ाम दिया आपने तो आपको आंसर की चेक करना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा होगा, आंसर क्या है, या फिर तो इस तरीके से आप देखेंगे। अभी फिर आपको क्या करना है, लास्ट में यहाँ पर आते हैं। अभी जैसे कि मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, रिज़ल्ट आपको डिक्लेयर किया जाता है कहाँ पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाता है जुलाई सीजन में या फिर जब भी। तो यहाँ पर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करेंगे, फिर वहाँ से आपको रिज़ल्ट को चेक करने के बाद आप उसे डाउनलोड भी चाहते हैं डाउनलोड कर सकेंगे, आपको ऐसा करना होता है। फिर आगे चलते हैं। जो काउंसलिंग आपको यहाँ पर लास्ट है, काउंसलिंग में क्या करना रहता है, रजिस्टर करना रहता है किसी कॉलेज में या फिर किसी भी जगह पर, तो आप इस तरीके से यहाँ पर आकर के रजिस्टर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लगते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, 10th के 12th के मार्कशीट, और यूजी एनपीजी कोर्सेज के लिए परमानेंट का सर्टिफिकेट, NOC का, फिजिकली आप हैंडीकैप है क्या उसका सर्टिफिकेट चाहिए, फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट एंड दिस कैटेगरीज। तो आप इस तरीके से आप यहाँ पर सारे सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड कर देनी रहती हैं, और ये मेरिट लिस्ट पर बेस करता है। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया, अच्छे रैंक लाए हैं तो मेरिट लिस्ट में नाम आया है,
ठीक है, तो अभी आप काउंसलिंग में राउंड में आ पाएंगे और वहाँ से आपको सारे प्रोसेस आगे कंप्लीट करना होता है और ये ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू होती है। तो कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसे फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।